नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच वी एस स्टडीज पे तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फादर्स डिफरेंट फील्ड के तो फादर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हमने टोटल थर्टी क्वेश्चन लिए हैं जो कि सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं काफ़ी बार पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर फादर ऑफ ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स तो के नाम से किसको जाना जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ एडम स्मिथ जो है इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रिगोर मेंडल ग्रिगोर मेंडल जो है इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स हिप्पोक्रेट्स जो है इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है दोस्तों इसके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत नहीं है ये जो क्वेश्चन है इनके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सिर्फ आपको नाम याद रखना है इनका कि ये जो है ये किसके फादर है इसके अलावा फादर से रिलेटेड आपको और कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा अगस्तस कॉम्टे अगस्तस कॉम्टे जो है इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा रिस्टोटल तो एरिस्टोटल जो है इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर तो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा मार्को पोलो मार्को पोलो जो है इनको मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं तो चार्ल्स बेबेज तो हो जाएंगे ये हो जाएंगे फादर ऑफ कंप्यूटर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा हु इज नोन एज दी फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स तो न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा एननेस्ट रदरफोर्ड तो रदरफोर्ड जो है उनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हु इज नोन एज द फादर ऑफ मोटर कार्ड तो मोटर कार्ड जो होती है उनका फादर किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड हेनरी फोर्ड जो है इनको फादर ऑफ मोटर कार्ड कहा जाता है हु इज नोन एज दी फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री तो इंग्लिश पोएट्री के फादर किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉफरे चौसर जॉफरे चौसर जो है इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है हु इज नोन एज दी फादर ऑफ हिस्ट्री तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा हीरोडोटस हीरोडोटस जो है इनको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ पाकिस्तान तो फादर ऑफ पाकिस्तान के नाम से किसको जाना जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना जो है इनको फादर ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोल लॉग नॉर्मन बोल लोक जो है इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको कहा जाता है तो जो हमारे सेकंड ऑप्शन है स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन जो है इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है इंडिया का तो ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा हु इज नोन एज द फादर ऑफ एटम बॉम्ब तो फादर ऑफ एटम बॉम्ब जो है वो किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा ओटो ओटो ओटोहैन जो है इनको फादर ऑफ एटम बॉम्ब भी कहा जाता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स या फिर फादर ऑफ नंबर ये किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा पाइथागोरस तो पाइथागोरस जो है इनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स या फिर फादर ऑफ नंबर भी कहा जाता है तो काफी बार एग्जाम्स में फादर ऑफ नंबर भी पूछा जाता है तो पाइथागोरस जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे फादर ऑफ मैथमेटिक्स एंड नंबर्स हु इज नोन एज दी फादर ऑफ होम्योपैथी तो फादर ऑफ होम्योपैथी जो है वो किसको कहा जाता है तो फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है सैमुअल हेनमैन सैमुअल हेनमैन जो है इनको फादर ऑफ होम्योपैथी भी कहा जाता है हु इज नोन एज फादर ऑफ बांग्लादेश तो फादर ऑफ बांग्लादेश किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान जो है इनको फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी तो फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा सिगमन फ्रेड सिगमन फ्रेड जो है इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है सभी रिपीटेड क्वेश्चन से कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा गया है तो सभी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपको सभी याद रखने हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेलाइकन को दबाए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा हु इज नोन एज दी फादर ऑफ फिलोसॉफी तो फादर ऑफ फिलोसोफी किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा सोक्रेट्स सोक्रेट्स जो है इनको फादर ऑफ फिलोसोफी कहा जाता है तो ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन देखते हैं हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई विक्रम साराभाई जो है ये फाउंडर हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तो इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है के सिवान जो है ये प्रेजेंट डायरेक्टर हैं इसरो के तो ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा ई ओ विल्सन ईओ विल्सन जो है इनको फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है हु इज नोन एज दी फादर ऑफ मोबाइल या फिर सेल फोन तो फादर ऑफ मोबाइल्स या फिर सेल फोन किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा मार्टिन कूपर मार्टिन कूपर जो है इनको फादर ऑफ मोबाइल या फिर फादर ऑफ सेल फोन कहा जाता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स तो एंटीबायोटिक्स के फादर किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एलेक्सेंडर फ्लेमिंग जो है इनको फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कहा जाता है तो दोस्तों आपके एग्जाम में जो भी फादर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो इस वीडियो से ही आएगा इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन फादर के ऊपर नहीं पूछा जाएगा तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में ले लिए हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा हु इज नोन एज फादर ऑफ लाइट बल्ब तो लाइट बल्ब के फादर किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन थॉमस एडिसन जो है इनको फादर ऑफ लाइट बल्ब कहा जाता है हु इज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है ये किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा Mandelib. Mandelib जो है इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है हु इज नोन एज दादर ऑफ आयुर्वेदा तो फादर ऑफ आयुर्वेदा किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा चरका समिता चरका समिता जो है इनको फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है Who is known as the father of yoga? तो फादर ऑफ योगा किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा पतंजलि पतंजलि जो है इनको फादर ऑफ योगा कहा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता ही होगा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया तो ये अभी हमने पीछे डिस्कस करा था कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन जो है इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है इंडिया में और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं तो वो हो जाएगा नॉर्मन बॉल नॉर्मन बॉल जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं वर्ल्ड वाइड अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा हु इज नोन एज दी फादर ऑफ इंटरनेट तो फादर ऑफ इंटरनेट जो है ये किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा विंड सर्फ तो विंड सर्फ जो है इनको फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है फादर ऑफ इन कहा जाता है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा हु इज नोन एज दर ऑफ पोलियो वैक्सीन तो फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा जोनस साल्क जोनस साल्क जो है इनको फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन कहा जाता है यह भी काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा हु इज नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रेंकलिन बेंजामिन फ्रेंकलिन जो है इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोस्तों यह था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद दोस्तों